बार संगवारी स्वागत है आप मन के हमारे नया ब्लॉग आज के हमारे ब्लॉग हवा है रायगढ़ केलो डैम। तो आप मन देख सकते हो पीछे नजारा और ये पूरा डैम है दे। हाय दोस्तों, ये हरे पुरुषोत्तम चंद्रा और हमन अभी घूमत हन केलो डैम में। भारी मस्त नज़ारा है, एकदम देखे लायक। और ये डैम के कुछ बनावट इस प्रकार है, आप मन देख सकते हो कैसे पूरा चाइनीज स्टाइल में बने हैं। बाकी पीछे के लोकेशन देख लो आपन, पूरा एक नंबर नज़ारा है। तो बने रहो आपन ब्लॉग में, आपन ला बहुत सुंदर नज़ारा दिखाबो केलो डैम के। तो संगवारी हो आपन देख सकत हो का गजब के नज़ारा है रायगढ़ से केलो डैम जाए के। आपन ला देख सकत हो पूरा चारों तरफ आपन ला पहाड़ देखे पर मिली, पूरा ग्रीनरी, मज़ा आ जाते यार कसम से। दिल बाग बाग हो उठते जब ये लोकेशन में पहुँचबे, ये सब दृश्य देखबे तब वाकई में बहुत मज़ा आते। और जस्ट सामने अपन देख सकत हो केलो डैम से पानी गिरते हुए दिखत है ये मेरला। और ये नीचे की तरफ छोटे से पुल बने हैं, वो ये रास्ता जाते और यहाँ से ऐसे पुल पार करके वो पार अपन आसानी से जा सकत हो। बिल्कुल देख सकत हो बहुत छोटे पुल है, यहाँ से वो पार जाना है। और ऊपर भी आपन देख सकत हो पूरा पहाड़ दिखत है, बहुत ही सुंदर दृश्य है। यहाँ ज़्यादातर लोगन मन फोटोग्राफी करे बर आते और घूमे ला आते। और बहुत ही बढ़िया दृश्य है यहाँ के, मज़ेदार शांत माहौल पूरा रायगढ़ शहर यहाँ घूमे लाते। तो आप मन भी अगर कभी रायगढ़ आता हो तो बिल्कुल केलो डैम आओ, आप मन देख सकते हो का गजब के लोकेशन है। वहाँ से देख सकते हो बाइक आते ऐसे घूम के आना और थे संगवारी हो रास्ता पूरा, बाइक वहाँ से ऐसे उतरते हुए पूरा छोटे से पुल क्रॉस करते हुए ऊपर चढ़ते और डैम के अगले तरफ आप मन ला चलो लेके आ जाता हमन। तो आप मन देख सकते हो ये डैम के ऊपर वाले रास्ता हरे, जहाँ से एक अलग टाइप से लोकेशन आप मन ला देखे पर मिली, बिल्कुल जस्ट पुल के ये पार है हर। और आप मन देख सकते हो ये पूरा केलो डैम पार्क तक ये रास्ता के है। तो आप मन बिल्कुल केलो डैम पार्क जाए पर ये रास्ता से जा सकत हो। और सामने आप मन ला देखे पर मिली केलो डैम पार्क, तो ये होकर पार्किंग स्थल है। यहाँ पे कार पार्किंग, बाइक पार्किंग करके आप मन अंदर जा सकत हो केलो डैम के पार्क। खैर हमन तो नहीं कह रहे हैं काबर की हमन ला कुछ दोस्त मन ला ढूंढे के रहें। तो संगवारी देख सकत हो ये डैम के ऊपर वाला हिस्सा है, जहाँ से पूरा डैम के नज़ारा दिखत है, पूरा जलमग्न हो गए डैम है, फुल पानी भरे है। और आप मन देखा हुए दे सनलाइट कैसे पहाड़ से निकला थे, एक नंबर सनलाइट पड़े है। और ये छोटे से शिव जी के मंदिर यहाँ पे हवा है, यहाँ आप मन आ सकत हो। ये देख सकते हो पहाड़ के नज़ारा, पहाड़ में एक नंबर फोटो खिंचात बनी है, तिबर मस्त लोकेशन है। तो संगवारी देख सकते हो डैम कुछ इस प्रकार से बने हुए है, एक ठो चले के बने हैं जेमा लोगन मन आते और ये डैम के नज़ारा देखते। और कुछ लोगन मन यहाँ पे गरी भी खेला थे, मछली धरा थे। और का मस्त डैम है देख सकत हो पूरा। अभी फिलहाल एक ठो गेट खुले है और एक ठो गेट से थोड़ा थोड़ा पानी लीकेज होते, बाकी देख सकत हो हम मस्त घूमें। और ये थोड़ा सा यहाँ पे जहाँ पे पानी जो गेट खुले है वहाँ से फुहारा भी उड़ा थे, ओकर पास में यदि आप मन आहूँ तो बिल्कुल आप मन फुहारा के बूंद आप मन के बॉडी में पड़ी तो आप मन एक अलग आनंद के एहसास हो ही। तो आप मन बिल्कुल यहाँ आओ, घूमो फिरो, मस्त इंजॉय करो, एक नंबर घूमे लायक जगह है। बाकी ब्लॉग में बने रहो, आप मन ला बहुत सारा यहाँ के सीन दिखाबो। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो ला लाइक जरूर करूँ, चैनल में हमारे नया हूँ तो चैनल ला सब्सक्राइब जरूर करूँ।